उत्तराखंड में आसमान से आफत बरसी है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश और बादल फटने से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में बादल फटने से बस्करी गांव में एक दर्जन से ज्यादा मकान मलबे में दब गए हैं और यहां 10 शवों को निकाला जा चुका है, जबकि 15 लोग अब भी लापता हैं। आईटीबीपी, एसएसबी और पुलिस की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। वहीं चमोली में भारी बारिश के चलते मंदाकिनी और अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 54 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश से राज्य की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। तो भारी बारिश ने किस तरीके से अपना कहर दिखाया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं और वेदर एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि अगले 72 घंटे जो हैं उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड सरकार ने सभी डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि अगर समय रहते आपदा प्रबंधन की तैयारी की गई होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। जिलाधिकारियों को पहले से ही पर्याप्त संसाधन दे करके रखे हैं और कुछ मदद करने की आवश्यकता होगी उन तक वो पहुंचाया जाएगा। पिथौरागढ़ में जहां ये घटना हुई है 6 बॉडीज रिकवर हुई है, 3 घायलों को वहां से हटाया गया है, 1 महिला की हालत थोड़ी नाजुक है, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है और मैंने कहा उनसे यदि चौपर वहां से क्यों कर सकेगा तो उनको लेकर के देहरादून आएंगे। पहली बारिश में ही कांग्रेस की उत्तराखंड की सरकार की पोल खुल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी जिस तरह की बयानबाजी दे रहे थे कि हम आपदा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो प्री डिजास्टर ड्यूरेशन आपका जो प्री डिजास्टर आपका ड्यूरिंग डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर जो 3 स्टेजेस होती हैं उसमें से एक पर भी वो खरे नहीं उतरे हैं। पहले ही मानसून की वर्षा में अब मृत्यु हो चुकी है, अपनी जान गंवा चुके हैं जिसने हरीश रावत जी की सरकार की पोल खोल दी है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट इलाके के बसड़ी गांव में प्रकृति ने जमकर तबाही मचाई और यहां बादल फटने से पूरे गांव में मलबा भर गया जिसके नीचे अभी भी 15 लोग दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगी हुई है। बसड़ी गांव में 6 शवों को निकाल लिया गया है जबकि 5 घायलों को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय भेजा गया है। डीडीहाट के बसड़ी और नौलड़ा क्षेत्र में मची भारी तबाही में अब तक कुल 10 शवों को निकाला जा चुका है। इस गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कें भारी बारिश के कारण बंद हैं। पिथौरागढ़ के डीडीहाट इलाके के बस्तड़ी गांव में हम लोग इस वक्त हैं। यहां कल तक जाने बसा करती थी लेकिन प्रकृति ने इस तरीके का पूरा हादसा इस तरीके से हुआ है कि उन जानों को ढूंढने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से आईटीबीपी पूरी अभियान में लगी हुई है, आर्मी के जवान भी अभियान में लगे हुए हैं, लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि लोगों के सांस अभी चल रही हो उनके जीवन को बचाया जा सके। जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि पूरे इस पूरे इलाके में लगातार बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आप जिलाधिकारी महोदय मौके पर आप पहुंचे हुए हैं, रास्ते बहुत टूटे हुए थे, पैदल आप आए हैं, क्या हालात अभी वर्तमान में है? कनाली सीना से लगभग 20 किलोमीटर पैदल चल के हमें इस गांव में पहुंचना पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। हालांकि हमारे चरमा से फौज सुबह ही पहुंच गई थी, उजाला होते से ही आईटीबीपी मिर्थी भी अपनी टीम लेके यहां पहुंच चुके हैं। सिविल पुलिस और फायर सर्विस और एसडीआरएफ के जवान भी यहां मौजूद हैं। मेडिकल टीम भी गाँव में पहुँच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 5 घायलों को अस्पताल के लिए यहाँ से रेफ़र किया गया है और अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो हेलीकॉप्टर से उन्हें हल्द्वानी या अधिक ज़रूरी हुआ तो देहरादून हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है 5 डेड बॉडी अभी मिल चुकी है और लगातार काम जारी है। 15 के करीब गाँव वालों का कहना है कि लोग मिसिंग हैं। जिस तरीके से पिथौरागढ़ में ये हादसा हुआ है 2008 में जो लाझेकला में जो आपदा आई थी, कहीं ना कहीं लोगों के जख्म एक बार फिर हरे हुए हैं।
एसपी मौके पे आए हुए हैं। सर, संचार बहुत ज़्यादा इस पूरे जो घटनाक्रम में रहा है, संचार भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अपना पार्ट, क्योंकि जो कनेक्टिविटी थी एक तरीके से बिल्कुल ठप हो चुकी थी। किस तरह, किस वक्त आप लोगों को सूचना मिली, किस तरीके से आपने पूरा अभियान शुरू करवाया? देखिए, जहाँ तक बस्तरी की बात है, हम लोगों को लगभग ये 9 बजे के बाद ये सूचना मिल पाई है। हालांकि 6:30 बजे की घटना है और हम लोगों को जैसे ये सूचना मिली है इनिशियली, क्योंकि और भी कई जगह हुआ है, इसी आधार पे हम लोगों ने थाना अस्कोट, कनाली छीना, कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस लाइन और बाकी भी सभी जगह का डीडी हाट, सभी जगह से हमने फोर्स रवाना किया है और पुलिस फोर्स यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा है। पुलिस फोर्स के पहुँचने के साथ ही साथ उसके बाद डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया गया था, यहाँ आर्मी को मूव करवाया गया है, आईटीबीपी को मूव करवाया है, एसडीआरएफ हमारी बाई एयर, डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके एसडीआरएफ बाई एयर यहाँ पे पहुँची है और रेस्क्यू ऑपरेशन ये जारी है। इसके साथ ही हमारा फायर सर्विस और दूसरा फोर्स भी यहाँ पे आ चुका है, पुलिस लाइन से जो रिजर्व फोर्स है उसको भी रवाना किया जा चुका है। और मैं और डीएम साहब काफ़ी जगह, चूँकि रास्ता टूटा हुआ है, इसके बावजूद हम लोग जो है पैदल यहाँ पे पहुँचे और सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपनी देखरेख में कर रहे हैं। आर्मी हम लोगों को सहयोग कर रही है, आईटीबीपी सहयोग कर रही है और साथ ही जो लोगों को रिहैबिलिटेट करना है, साथ ही यहाँ पे सिगाली गांव है, वहाँ पे यहाँ से लगभग 50-60 लोगों को उस गांव में उस स्कूल में रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, वहाँ उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। अभी लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अभी बहुत सारी औपचारिकताएँ और ज़्यादा होंगी क्योंकि लोगों का अभी पीएम होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों के जीवन को अभी भी ढूंढा जाए। पिथौरा के गढ़ के बस्तरी गांव से कोमल मेहता, इंडिया 24/7। डीडीहाट के बस्तरी गांव में बादल फटने की घटना में जिस तरीके से लोगों की जान गई है, मलबे में दबे 15 लोगों को खोजने में भारतीय सेना भी लगी हुई है। सेना भूखे प्यासे लोगों को खाना भी खिला रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए कोमल मेहता की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के बस्तरी में जिस तरीके से दैवीय आपदा आई हुई है, सेना के जवान हम लोगों को इस वक्त यहाँ पर दिख रहे हैं। सेना के जवान लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ एक और भूमिका में जवान हमको नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी बनी हुई है, चावल बना हुआ है और जिस तरीके से पूरी जो इनकी फोर्स लगी हुई है, 8 असम रेजिमेंट के जवान है, पूरी फोर्स लगी हुई है। भाई साहब, आप लोगों ने कितने लोगों के लिए खाना बनाया था और कितने लोगों को खिला दिया अभी तक? 800 आदमी के लिए बनाया हुआ है। देखिए, 800 आदमियों के लिए खाना बनाया हुआ है। आर्मी के कितने जवान इधर पे आए हुए हैं? इसमें टोटल 300 होगा सर, 300-400। देखिए, पूरी जिस तरीके से आपदा आई उसके बाद आर्मी को कॉल किया गया, आर्मी इस स्थान पे पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करती है और उसके साथ ही साथ जो तमाम जो लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग आए हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए हुए हैं, मीडिया यहां पर आई हुई है। लगातार इन लोगों की कोशिश है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ उनको खाना भी खिलाया जाए। पिथौरागढ़ के बस्तरी गांव से कोमल मेहता, इंडिया 24/7। तो ग्राउंड जीरो पर इंडिया 24/7 की टीम भी पहुंची हुई है और पल पल के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां से हमारे संवाददाता सोनू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या मौसम साथ दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट पहाड़ों पर मौसम की ही रहती है? अब बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए मौसम का बदलता मिजाज है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने एक और अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट इस बार रेड अलर्ट जारी किया है, यानी पूरे प्रदेश में भारी से भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया, तो ऐसे में जब मौसम का मिजाज बदला हुआ है तो निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जो जिंदगी दफन हो गई है मलबे के अंदर, उनको जो खोजने की कवायद है वो एक चुनौती नजर आ रही है। हालांकि इसमें आर्मी की जरूर तारीफ करनी पड़ेगी, जो तमाम फोर्सेज है हमारी उनकी जरूर तारीफ करनी होगी, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में लोगों को खोजने में जुटे हुए हैं भूखे प्यासे रह करके। तो ये कहा जा सकता है एक तरफ जनपद के जो मुख्यालय है वहां पर कंट्रोल रूम में जो जिला स्तर के अधिकारी वो, और दूसरा जो सचिवालय में कंट्रोल रूम बना हुआ वहां पर जो सचिव स्तर के अधिकारी वो लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला अब मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया और आज एक कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में ये भी संभवतः एक आवाज उठ सकती है कि जो 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र पहले से ही आउट हो रखा है, हो सकता है कि उसकी तिथि आगे बढ़ा दी जाए। तो ये देखना होगा दिव्या, जिस तरह से कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं जल्द से जल्द जो लोग लापता है उनको खोज लिया जाएगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से क्या है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए अब चिंता बढ़ना तो लाजमी है प्रशासन की, लेकिन कितना अलर्ट अब प्रशासन नजर आ रहा है?
देखिए दावा जरूर किया जा रहा है सरकारी तंत्र की तरफ से कि हर तरफ से उन्होंने कोशिशें की हैं, चाहे वो लोकल स्तर पे जो आपदा प्रबंधन विभाग ने अब से कुछ समय पहले लोगों को प्रशिक्षण दिया था उनके सहयोग की बात हो, या खान पान की सामग्री को जुटाना हो, या इसके अलावा जो मेडिसिन है उसकी व्यवस्था करना हो, और इसके साथ साथ एक सबसे जो बड़ी चीज है वो है सभी विभागों से फोर्सेस से तालमेल बिठाना। कल एक अधिकारी से हमने बात की थी जो डिप्टी कमांडेंट स्तर के एनडीआरएफ के, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जैसे जैसे फोर्सेस की जरूरत पड़ रही है कंट्रोल रूम के जरिए वो लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे गाजियाबाद जहां पर उनका ज्यादा अधिक मात्रा में फोर्स इस वक्त अलर्ट पर है उनको बुला लिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत में जब चुनौती सामने आती है तो कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत देखने को मिलती है जब जितने की दावे किए जाते हैं हो जाती है, जैसे बादल फटा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चल रहा है, 15 लोग अभी लापता है जिनको ढूंढने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू सिंह इस जानकारी के लिए।